हम आपके बीच में हैं एक और औषधीय पौधों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी को लेकर। यह आयुर्वेद में चित्रक के नाम से जाना जाता है। यह चित्रक का पौधा आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले औषधियों में बहुत जाना पहचाना पौधा है। यह आयुर्वेद के जितने भी औषधियां हैं उसमें विशेषकर अजीर्ण वातज रोगों में या इंडाइजेशन और पेट के कोई भी इन्फेक्शन है इसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। चित्रक के बहुत सारे प्रयोग हैं। आयुर्वेद की यह बहुत प्रसिद्ध औषधि है। प्रायः चित्रक में जब हम इस चित्रक का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर इस चित्रक मूल का प्रयोग करते हैं, जड़ का प्रयोग होता है लगभग हर रोग में। तो इसके कुछ प्रयोगों के संदर्भ में हम अभी जानते हैं। यह अत्यंत भूख को बढ़ाने वाली है, इससे पेट के रोग ठीक होते हैं। इस जड़ी के द्वारा आप अपने नक्सिर को ठीक कर सकते हैं, संग्रहणी जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। भूख कम लगती हो तो इससे भूख बढ़ती है। इसके अतिरिक्त फूड एलर्जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग द्रव्य से एलर्जी होती है। एक सज्जन आए, कहने लगे जी मुझे फल से एलर्जी है, मैं कोई फल नहीं खा सकता। कोई कहता मुझे गेहूं से एलर्जी है। इस तरह से रोगियों को भी हमने इस चित्र का प्रयोग कराया है, इससे हमें 100% परिणाम मिला है। निश्चित रूप से इससे पूर्ण लाभ होता है। इस चित्र की जड़ का पाउडर करके यदि आप सेवन करते हैं तो जिनको किसी भी तरह से फूड पॉइजनिंग है, इन्फेक्शन है, उसको आप दूर कर सकते हैं। आप इसकी जैसे आप जड़ देख रहे हैं, इसकी सूखी हुई जड़ बाजार में भी मिलती है। इसकी जड़ की छिलके को उतार करके इसका आप पाउडर करके लगभग 2 ग्राम पाउडर या तो गर्म पानी से या काढ़ा बना करके यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उससे आपकी भूख भी बढ़ेगी। और जिनको विविध दालों से अन्न से एलर्जी है, इस चित्र की जड़ की छाल के सेवन से निश्चित रूप से 100% लाभ होता है। और प्राणायाम साथ में करें, आप और जल्दी ठीक हो सकते हैं। और इस तरह के कई सारे रोगियों के ऊपर हमने इसका प्रयोग किया है और इसके परिणाम को पाया है। तो आप इस परिणाम को देखना चाहते हैं तो जो इस तरह की पीड़ा से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उन लोगों को भी आप बता सकते हैं। यह निरापद है। सिर्फ इतनी ही सावधानी रखें कि देखिए ये जड़ी बूटियों का प्रयोग हम, यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोई बीमारी है, परेशानी है, इस तरह से रोग से आप पीड़ित हैं कि जो बीमारी बहुत भयानक है, तो आप बाकी औषधियों को बंद मत करिए। उन दवाइयों को आप साथ में खा सकते हैं। उन दवाइयों को लेते हुए आप इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करिए। इन जड़ी बूटियों से आपके शरीर के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारी जल्दी ठीक होने की क्षमता है, वह बढ़ जाएगी और आप शीघ्र रोग मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसके लिए भी इसका प्रयोग बहुत ही जरूरी है। हम लोग बहुत सारे रोगों में प्रयुक्त करते हैं पंचकोल। पंचकोल चूर्ण बना बनाए भी मिलता है, बाजार में भी मिलता है, हम भी बनाते हैं पंचकोल। चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ, इन 5 द्रव्य को हम लोग पंचमूल बोलते हैं। हमने पंचकोल का जो चूर्ण का जो प्रयोग है, एक विचित्र किंतु सत्य प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। जब हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे तो कंपटीशन होता था कई बार, विशेष करके दूध पीने में या घृत आदि जो पौष्टिक पदार्थ हैं उनके सेवन में। तो कभी कभी गौशाला में बहुत ज़्यादा दूध होता था, कभी थोड़ा कम होता था। जब ज़्यादा दूध होता था तो हमें ज़्यादा दूध मिलता था, तो हम सोचते थे इस दूध को कैसे हजम किया जाए। उस समय पर मुझे आज भी एक बखूबी स्मरण है, हम लोग जिनको ज़्यादा दूध पीने की वो रहती थी कि दूध डाइजेस्ट हो जाए, कि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए, कि इसका पाचन ठीक हो, यदि पंचकोल का काढ़ा बना करके आप सुबह शाम पिए, उसके बाद यदि आप दूध पीते हैं तो दूध पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेट बहुत कमज़ोर है, कुछ भी खाते हैं हजम ही नहीं होता, तो दूध से एलर्जी है। दूध आपको हजम नहीं होता है, उसको हजम करने के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चित्रक मूल का काढ़ा बना के पीने से भी पूरा लाभ हो जाता है। कि चित्रक मूल के 2-3 ग्राम छाल को आप लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें, पका करके जब 1/4 बचे,
छान करके आप उसको सुबह खाली पेट पिए। इससे पेट की बीमारियां वो तो दूर होंगी ही, इसके अतिरिक्त डाइजेस्ट सिस्टम जिनका ठीक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता है, पेट फूलता है, पेट में उफारा रहता है, दूध पीते ही जो टॉयलेट को भागना पड़ता है वो सब नहीं भागना पड़ेगा। आप सेवन करिए, यदि आपको आपके परिवार वाले और आपके मित्र मंडली या पड़ोसी यह भी जानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है बोले इनको दूध सूट नहीं करता, आपको जानते हैं कि आप दूध पीने लायक योग्य आदमी नहीं हो, फिर भी कुछ दिन यदि आप इसका चित्र छाल का काढ़ा या पंचकोल का, पंचकोल में जैसा अभी मैंने बताया आपको आयुर्वेद में चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ, ये पांच द्रव्यों का काढ़ा बना करके यदि आप पीते हैं तो आपके घर वालों को भी कुछ दिन में ताज्जुब और अचंभा होगा कि किस तरह से आपका जो पाचन प्रक्रिया है इतनी मजबूत हुई।